Prateek Jain, right? Yeah, Prateek Jain. Okay. Correct. Let's go. तो गाइस जैसे कि आपने टाइटल देखा, आपने थंबनेल देखा, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फीफी आइलैंड का टूर कर रहा हूँ। जी हाँ, फीफी आइलैंड जो कि थाईलैंड का वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड ग्रुप से, जहाँ पे अमेजिंग सा वाटर रहता है, अमेजिंग सा व्यूज रहता है, अमेजिंग से आपके फोटोज आ सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन से अभी देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा होता है, उससे बाद ही पता चलेगा कि वाकई में जगह में दम है कि नहीं। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र वणक्कम एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। तो गाइज अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैंने फीफी का डे ट्रिप बुक किया था लोकल वेंडर से फुकेट में, जो आपको काफी सारे मिल जाएंगे और 1300 बाट उसका रेट था, यानी कि तकरीबन इंडियन करेंसी में होते हैं 2700 से 2800 रुपए, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। आज सुबह जैसे ही 8 बज गए, मैं तैयार होकर हॉस्टल से बाहर जैसे ही निकला तो मेरे को पिकअप करने आई गई उसी टाइम पे वैन, जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स बैठे हुए थे, टूरिस्ट बैठे हुए थे इस ट्रिप के लिए। उसमें मैं बैठा और यू नो 8 बजे वो गाड़ी निकली हमारे हॉस्टल से, मतलब पेटोंगेरी से, और 8:40 पे ये लोकेशन पे पहुंची। मैं आपको गूगल मैप्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, जहाँ से फेरीज जाती है, स्पीड बोट्स जाती है फीफी आइलैंड के लिए, क्राबी के लिए। रोज फेरीज सुबह शाम चलती है, ऐसा नहीं कि वीकेंड्स में नहीं चलती है या फिर मंडे टू फ्राइडे नहीं चलती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मंडे टू संडे डेली चलती है फेरीज। तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, आपको डेली मिल जाएगा फुकेट से फीफी आइलैंड, या फिर क्राबी से फीफी आइलैंड, या फिर फुकेट से क्राबी, या फिर क्राबी से फुकेट, वाइस से वर्षा, वर्षा वाइस वाइस जो भी है। अभी क्या है ना, भूख लग गई है और जैसे ही हम एंटर करते हैं, मतलब यहाँ पे पायर पे पहुँचते हैं, जैसे यू नो स्पीड बोट्स वगैरह जाती है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह की सुविधा है जो कि इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा बैग जिसमें टॉवल वगैरह रखा है मैंने, वो मैं ले लेता हूँ और फिर हम जाते हैं अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी सारे लोग घुस गए ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शन है, लिमिटेड ही रहेगा जो भी है, एक चाय वाय वैसे तो पीता नहीं है, लेकिन कुछ हॉट ड्रिंक्स मिल जाए वो पी लूँगा और देखता हूँ क्या ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल। तो गाइज आप लोग मेरे को हमेशा पूछते हो कि बीइंग अ बजट ट्रैवलर में बजट में सारी बुकिंग्स कैसे कर लेता हूँ, चाहे फ्लाइट्स हो कि होटल्स हो, क्योंकि मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो सच में काफी फास्ट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फ्लाइट सर्च करनी है तो कितने कम टाइम में इतने सारे ऑप्शन ये दे देता है। और सिमिलरली अगर आपको होटल्स वगैरह बुक करनी है तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करके आपको फास्ट और बेस्ट डील दे देता है। एंड व्हाट्स मोर, इस ऐप के जरिए आप इंडियन रेलवे, IRCTC की ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो। है ना कमाल का ऐप, जहाँ पे सारी बुकिंग्स हो जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये डाउनलोड अब भी करें, और डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हो तो उसे अपडेट कर देना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। अब फिलहाल फ्रूट्स मिल गया तो काफ़ी है, और वैसे तो हॉट ड्रिंक्स भी है, जैसे कि यू नो टी मिल जाएगी आपको, माइलो मिल जाएगा, नेस्ले की कॉफ़ी मिल जाएगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। चलो ये मिल गया, मज़ा आ गया। ओके ये रही स्पीड बोट, 45 लोग बैठ सकते हैं एक स्पीड बोट में, अंदर भी आप बैठ सकते हो अगर आपको ज्यादा वो क्या बोलते हैं बम्पी नहीं होना है तो अंदर बैठ सकते हो, और मजे लेने हैं थोड़ा सा बम्पी चलेगा, लेकिन अगर मजे लेने हैं तो आप ऐसे बाहर भी बैठ सकते हो। सही है, आज ज्यादा मजा आएगा, देखते अगर पानी ज्यादा उछलेगा या फिर बम्पी ज्यादा होगा तो अंदर चला जाऊंगा। अच्छा, ओनली 6 पीपल अलाउड बाहर, ये जो एरिया है ना सिर्फ 6 लोग ही अलाउड है बैठने के लिए, तो जनाब को वापस बुला दिया गया कि अंदर आ जाओ भैया, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं।
लो जी, हम पहुंच गए माया बे, जो कि बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, राइट। लियोनार्डो डी कैप्रियो द बीच करके द मूवी था, हॉलीवुड की जो फेमस मूवी थी, यहीं पे शूट की गई थी। उसके बाद से बहुत चर्चित में, और ये देख लो आप, माय गॉड, कितनी फेरीज है, कितनी स्पीड बोट्स है, कितने टूरिस्ट। टूरिस्ट तो कम है, बिकॉज ये 3.5 साल बाद खुला है। एक्चुअली 3.5 साल तक बनता, 2 साल तो कोविड ने खा लिया, और 1.5 साल इसलिए बनता क्योंकि कंजर्व करना था गवर्नमेंट को ये जगह को, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट आते थे, लिटर करते थे, जिसकी वजह से यहाँ की नेचर को बहुत इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से कंजर्व करने के लिए ये पूरा टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर 2 साल कोविड हो गया, और उसके बाद ये अभी वापस स्टार्ट हुआ है, और मैं एक्सपीरियंस करने आ गया हूँ इस ब्यूटीफुल सी जगह को। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ का पानी भी कितना सुपर्ब है यार। चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। हाँ जी, अभी आप देख सकते हो भीड़ कितनी आ रही है, मतलब हद है। वापस लगता है थोड़े टाइम बाद वापस बंद कर देगी सरकार, लेकिन हाँ ये है कि अभी तक स्विमिंग बंद है, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो, स्मोकिंग नॉट अलाउड है, पकड़े गए तो 5,000 baht का फाइन। तो अभी बीच पे जा रहे हैं, माया बे के बीच पे। दुनिया के कोने से टूरिस्ट आ पड़ी है और फुल लाइन लगी हुई है। मेरे को नहीं पता था कि इतनी लाइन होगी और इतना लंबा ट्रैकिंग भी होगा। ओके, 11:25 अभी कितना बजा है, 10:45, और ये 11:25 बोल रहे, मतलब आप मान के चलो 40 मिनट का टाइम है माया बीच एक्सप्लोर करने के लिए। देख लो कितना शानदार सा व्यू है ये। एक्चुअली बीच में भी जा सकते हैं, पब्लिक जा ही रही है उस तरफ से, लेकिन बस यही बात है कि यहाँ पे एक स्टॉप है जिससे आप इधर से भी फोटो वगैरह एक बार के लिए ले सकते हो। वैसे तो ऐसे गार्ड्स खड़े रहते अगर कोई स्विमिंग वगैरह कर देता है तो उसको फाइन लगाने के लिए, लेकिन पब्लिक थोड़ा तो अंदर जा ही रही है, तो ठीक है हम भी शूज वगैरह खोल दिए हैं और अंदर जाने का थोड़ा प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन सा पानी है और थोड़ा अंदर ना जाए ऐसा हो भी नहीं सकता ना। सच में ये वर्ल्ड वाइड इतना क्यों फेमस है माया बे, इसका एक कारण है, और ये कारण सही में है कि इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। हालांकि भीड़ अभी ज्यादा दिखेगी आपको, और पहले भी 3.5 साल पहले जब ये चालू था ना, उस टाइम भी ये इतनी भीड़ होती, इससे ज्यादा भीड़ होती थी। अभी तो कुछ लिमिटेशंस है जिससे ज्यादा टूरिस्ट अलाउड नहीं है इस बीच पे, लेकिन वही बात है, इसकी नेचुरल ब्यूटी एकदम एक्सेप्शनल है। बिकॉज मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि मॉल्डीव जैसा होगा या फिर यू नो वैसा ही कुछ होगा, बीच ही तो है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, इसका कुछ अलग ही है व्यू। माया बे साइड आओ तो जो शुरुआत है ना उधर अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है वहां पे, और यहाँ पे देख लो भीड़ कितनी कम है। थोड़ा सा 5 मिनट ही चलना है, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट ही चलना है। बेबी शार्क, भाई देख रहे हो शार्क कितने करीब से, ये सब छोटी छोटी मछलियां हैं, सब छोटी छोटी मछलियां है, और फिर शार्क बेबी शार्क है। बेबी शार्क दिखने की उम्मीद थी वो भी दिख गई, मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल है, मतलब बहुत सस्ता है यार, 1300 baht यानी कि 2600-2800 rupees क्या होता है, जिसमें आपके होटल से फुकेट से पिकअप ड्रॉप या पे लंच ब्रेकफास्ट और फिर यू नो सारे अट्रैक्शन चाहिए। माया बे हो गया, ये आइलैंड का नाम है फिफी ले, और एक और मेन आइलैंड है फिफी डॉन, वो सबसे बड़ा आइलैंड है और सबसे मेन आइलैंड है क्योंकि वो 8 किलोमीटर का है और इसमें पब्लिक रहती है। यहाँ इस आइलैंड में पब्लिक नहीं रहती है, थाईलैंड के कोई मतलब लोकल्स नहीं रहते,
वहाँ पे लोकल्स रहते हैं और वहाँ पे आपको होटल्स, हॉस्टल्स, क्लब्स, और क्लब्स तो नहीं ठीक है, अभी नाइट लाइफ इतना है नहीं, जिसकी वजह से मैंने भी एक रात दो रात कोई रात रुकने का सोचा नहीं है, सिर्फ डे ट्रिप इसीलिए खरीदा क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी पड़ता है, सारे अट्रैक्शन आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल रात को 8-9 बजते ही सब सन्नाटा हो जाता है, मतलब फिफी डॉन की बात कर रहा हूँ, वहीं पे आप रुक सकते हो, यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, स्टे ले नहीं सकते हो फिफी ले में, जहाँ पे ये माया बे बीच है। और अगर आप खुद से आते हो, अलग से आते हो, तो आपको 400 बाट अलग से नेशनल पार्क फी टैक्स के तौर पे करना होगा, और वही मैंने पैकेज खरीदा तो जाहिर सी बात है 1300 बाट में सारी चीजें इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से कहने का मतलब पैकेज सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है बींग अ सोलो ट्रैवलर। और ग्रुप भी मैं तो देख रहा हूँ, कपल है, ग्रुप है, सारे लोग ये पैकेज ही लेते हैं। हाँ, कब रुकना अच्छा लगता है, जब आप कपल में हो और यहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह सब खुल जाएगी ना अच्छे से, क्योंकि को फीफी, ये फीफी आइलैंड की नाइट लाइफ इतनी तो चर्चित नहीं है, ये क्राबी का ही हिस्सा है बेसिकली, लेकिन कैसा है कि अगर आपको पीस चाहिए और इतने अमेजिंग से बीच चाहिए, अमेजिंग से व्यूज चाहिए, रुकना है तो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा जब हम जाएंगे को फीफी डॉन। ये पैकेज में बेसिकली 3 आइलैंड घुमाने वाले हैं, जिसमें से एक तो यही हो गया फीफी ले, जाते हैं माया बे फर्स्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं 6 से 7 टोटल अट्रैक्शंस बोले कवर हो जाएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ये वीडियो में भी मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो भी आपको फीफी आइलैंड का ही मिलेगा, जहाँ पे हम दूसरी अट्रैक्शंस देखेंगे, दो वीडियो होंगे फीफी के, ठीक है। और अगर मैंने बुक कहाँ से किया आपको पता ही है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा ही है तो आपको सस्ते में ये बेस्ट ऑप्शन है, और मैं 100% रिकमेंड करता हूँ, जब भी फुके था ये पैकेज ना लो, खुद से आना चाहो तो भी आपको मैंने समझा दिया कैसे आ सकते हो, पायर में आके आप स्पीड बोट वगैरह ले सकते हो, नॉर्मल बोट ले सकते हो, लेकिन आना जरूर भाई, फीफी मिस मत करना अगर फुकेट आते तो, बस मेरे को इतना ही कहना है। Pile Lakun, now very nice place, now for swimming and jumping. Can swimming? Ah, not you can swimming. This area, now the water look like an emerald. तो ये हम पहुंच गए फी ले लगून, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आप डुबकी मार सकते हो, जिसे स्विमिंग आता है वो डायरेक्ट डुबकी मारे, जिसे स्विमिंग नहीं आता है वो लाइफ वेस्ट पहन के डुबकी मारे, जैसी उसकी मर्जी। और तो और यहाँ पे लॉन्ग बोट का भी सुविधा है, मतलब 1500 बाट यानी कि 3300 रुपया लगेगा और उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, आधा घंटा आपको घुमाएगी ये लॉन्ग बोट, ऐसे आप देख रहे हो, बस वही बात है, 6 लोग बिठाएगी, 1500 बाट लेगी, आधा घंटा घुमाएगी। मेरे को तो कोई घूमने का है नहीं, बिकॉज एक तो सोलो हूँ, ऊपर से ऐसे तो ठीक है मेंबर्स आपके बन जाते हैं, जैसे कि वो 3 लोग ही जा रहे 1500 बाट देके, अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करता तो मैं भी बैठ सकता था और डिवाइडेशन हो सकता था, लेकिन नहीं करना है, बिकॉज यहाँ बैठूँ या फिर वो लॉन्ग बोट में जाऊँ, बात एक ही है, लेकिन हालांकि ग्रुप ग्रुप होता तो सोचता भी। ये जो फी ले लगून है ये भी ले में ही है, मतलब फीफी ले आइलैंड पे ही है, इसमें आधा घंटा का स्टॉप है, उसके बाद शायद लंच वंच होगा और उसके बाद हम जाएंगे फीफी डॉन, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है फीफी का। भाई साहब पानी में कूद कूद के थक गया यार, मतलब श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गोवा वोवा सब जगह अभी इतनी डुबकियां मार दी मैंने कि बस अभी मन नहीं कर रहा है, अभी बस नज़ारे के मजे लो और इंजॉय करो। ये वाली फेंटा पिए क्या कभी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ अभी। बहुत बढ़िया ये क्या, इन लोगों के साथ चीटिंग हुई लगता है, क्योंकि सबसे लास्ट बोट इन्हीं की गई थी, वो लॉन्ग बोट वाली 1500 बाट वाली, सबसे पहले इन्हीं की आई है, मेरे हिसाब से 20 मिनट भी नहीं हुआ रहेगा इनको। How was the long boat ride? It was amazing. Absolutely amazing. Great to hear that. Yeah. You with your parents, right? I'm with my parents. New friend. What's your name, sir? Pratik. Pratik? Yeah. Candace. Yeah. Candace Pratik. Candace's World on YouTube. Okay. And you have a YouTube channel? I do have a YouTube okay. channel. What's the name? Candace's World. Yeah. Candace also World. Also on Instagram and everything else. So, yeah. Is there any school, hospital?
स्कूल स्कूल भी है, बढ़िया है।